एक मेरे पास ये डेल का लैपटॉप आया हुआ था, तो मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें एक्चुअली मैंने रैम का आईसी आप देख सकते हैं, दो दो मैंने दो आईसी ऑलरेडी चेंज कर चुका हूँ, अभी मैं दूसरा लगाया हूँ जिसमें मेरा पर्टिकुलर डिस्प्ले वगैरह तो आ चुका है, लेकिन मैं आप लोग के साथ मैं थोड़ा सा मैं इसका जो प्रॉब्लम था उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल, ये ठीक है बिल्कुल लगा चुका हूँ, और ये साइड का आप देख सकते हैं मैंने पर्टिकुलर रैम का पूरा सारा कुछ मैंने चेंज भी कर दिया था, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल मैं सब कुछ मैंने चेंज कर दिया था। तो चेंज करने के बाद भी ये मेरा डिस्प्ले वगैरह नहीं मिला, नहीं आया मेरा इस पे, तो इसके लिए मैं जी क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या चेक करना पड़ा, मैं आप लोग को डायग्राम में ही मैं आपको सारा डिटेल दे दूंगा, क्योंकि ये मेरा रैम का ही इशू था और रैम सेक्शन का ही इशू था, ये मेरा ऑन जैसे ही अगर रैम अगर नहीं लगाता हूँ मैं, तो ये जैसे मैं रैम नहीं लगाऊंगा तो ये मेरा ऑन होगा पर्टिकुलर अच्छे से चलेगा, और जब रैम लगा दूंगा तो फिर ये ऑन होके फिर ये ऑफ हो जा रहा था, ये इस कंडीशन का प्रॉब्लम था इस बोर्ड में। आप ये देख सकते हैं, मैं अभी आईसी का सारा डिटेल मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन सा सप्लाई कब बना रहा था और किस टाइम नहीं बना रहा था, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। चलिए मैं आप लोगों को डायग्राम के माध्यम से ही आप लोग को बताता हूँ। देख सकते हैं RT8207M, तो इस आईसी के मैं आप लोग को थोड़ा पंसर के बारे में बता देता हूँ, इसमें एक्चुअली क्या क्या सप्लाई बनाना चाहिए क्या नहीं बनाना चाहिए। एक्चुअली ये तो आप डायग्राम में लिखा हुआ है, ये आप 0.5 वोल्ट आप ये देख सकते हैं, ये पिन नंबर 2 के लिए, पिन नंबर 2 के लिए आपका है, और पिन नंबर 1 में आपका सप्लाई बनाएगा 0.0 वोल्ट बनाएगा। मैं पहले थोड़ा सा आप लोगों को सप्लाई के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद बता दूंगा फाइनली इसमें एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या था और किस चीज़ के बारे में ये ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा था। ये जो मेरा प्रॉब्लम, ये तो आप जानते ही हैं, ये ऑलरेडी मेरा ग्राउंड हो गया। ये जो आप देख रहे हैं पिन नंबर 4, तो पिन नंबर 4 में आपका आपका 0.75 BTT वोल्ट आपका इसमें बनाएगा, ठीक है, और पिन नंबर आपका 5, ये आपका ऑलरेडी लिखा हुआ 1.5 वोल्ट, ये 1.5 वोल्ट बनाएगा, और आपका पिन नंबर 6 आपका तो फीडबैक का सप्लाई देगा, ठीक है, इसमें आपका सप्लाई नहीं बनाएगा। इस रेजिस्टेंस के इस पार आप देख सकते हैं तो 1.5 वोल्ट की सप्लाई इसमें रहेगा, ठीक है, और आपका ये सप्लाई मैं आप लोग को डॉट मार्क कर देता हूँ कि कौन सा सप्लाई इस आईसी में भी रहेगा। मैं पहले सप्लाई का नाम सप्लाई एक एक करके लिख देता हूँ, और 1, 2, 3, 4 करके मैं ऐसे कोडिंग कर दूंगा। इसमें ये आप समझ जाइएगा कि इसमें मेरा कि कितना कितना जो सप्लाई बना रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह के सप्लाई एक एक करके आप चेक कर सकते हैं इस पर। तो इसमें आप पिन नंबर 7 पे सप्लाई आप देख सकते हैं, इसमें 3.3 वोल्ट आपको मिलेगा, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है आपका देख सकते हैं 1.3 वोल्ट, जबकि 1.3 वोल्ट नहीं आएगा, ये S3 का जो सप्लाई होगा वो सप्लाई आपका आएगा, जो IO IC से इसको मिलेगा S3 का, और आपका ये S5 ये करेक्ट एकदम 2.7 वोल्ट, इसमें ये पिन नंबर 8 पे बनाएगा, और पिन नंबर 8 इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप देख सकते हैं ये मेरा 1.5 वोल्ट ऑलरेडी लिखा है, लेकिन ये मेरा 19 वोल्ट आपका इसमें बनाएगा, आपका इसमें 19 वोल्ट बना दिया, और आपका जब ये ऑफ मोड में रहेगा तो यहाँ पे आपका बिल्कुल ये 9 वोल्ट किस्म बनाएगा आपका पिन नंबर 9 पे, ये ऑफ रहेगा तब, ये ऑफ कंडीशन में
ये आपका जो ऑफ कंडीशन में रहेगा तब जाके यहाँ पे आपका 19 वोल्ट इस पर बनाएगा पिन नंबर 9 पर। जब ये सिस्टम आप ऑन कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पे 0.89, यहाँ पे आपका 0.99 के समथिंग सप्लाई दिखाएगा। पावर बोर्ड तो ऑलरेडी आपका जीरो है और पिन नंबर आपका 11, इसमें तो VTT का आपका ऑलवेज का ये सीधे देख सकते हैं आपका ये सीधा ये 5 वोल्ट का है सप्लाई आपका। इस वाले पिन पे भी 5 वोल्ट का सप्लाई बनाएगा आपका। पिन नंबर 12 और 11 पे भी आपको 5 वोल्ट बनाएगा और आपका पिन नंबर 13 तो इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें भी आपका CS में भी 5 वोल्ट आपका बनाएगा ऑफ मोड में। और जब ऑन कीजिएगा तो ये सप्लाई आपका नहीं बनेगा, ये 5 वोल्ट नहीं बनाएगा आपका। और पिन नंबर 14 ये तो ऑलरेडी ये ग्राउंड है मेरा, इसमें कोई वोल्टेज नहीं बनाएगा। और पिन नंबर 15 में आपका इसमें आपका सप्लाई पिन नंबर 15 में आप देख सकते हैं 1.5 वोल्ट लिखा हुआ वोल्टेज कभी कभी नहीं बताता है, क्योंकि उसके डायग्राम और IC के अकॉर्डिंग वो आपको चेक करना पड़ेगा तभी आपको फाइनली पता चलेगा। तो इसमें आपका पिन नंबर 15 में आपका 0.5 वोल्ट आपका बनाएगा, इस पर 0.5 वोल्ट में 0.5 वोल्ट इसमें आपका बनाएगा। और पिन नंबर 16 में आपका ये बनाएगा 1.5 वोल्ट आपका बनाएगा इस पर। और पिन नंबर 17 में भी आपका 1.5 वोल्ट आपका बनाएगा। और आपका पिन नंबर 18 पे आप ये देख सकते हैं 18 पे इसमें आपका सप्लाई आपको जो गेट को जो माउसपैड को गेट को एनेबल करने के लिए ये सप्लाई रहता है। ये मैं 18 का पिन नंबर नहीं, अच्छा ये तो आपका बूस्ट करने का रहता है ये सप्लाई पिन नंबर 18 आप देख सकते हैं ये। तो कभी कभी ये जो कैपेसिटर प्रॉब्लम अगर हो जाएगा तो फिर आपका रैम का सप्लाई का रैम का VTT का जो सप्लाई है ये आपका बनाएगा नहीं। तो ये भी आप जान के रख लीजिए आपका पिन नंबर 18 में आपका ये 6.5 वोल्ट आपका इसमें बनाएगा। और पिन नंबर 19 में भी आपका ये 1.5 वोल्ट आपका ये भी पिन नंबर 19 में भी 1.5 वोल्ट आपका बनाएगा ये। और ये आपका पिन नंबर 20 में आपका बनाएगा 0.75। ये मेरा सप्लाई इसमें इतना बनाना चाहिए तब जाके समझिए कि अब मैं बता देता हूँ कि पहले कौन सा सप्लाई बनाना चाहिए और सेकंड नंबर पे क्या बनाना चाहिए। कहा कि ये तो मेरा ऑलरेडी जब IC ऑन हो जाता है तब आपका ये ऑटोमेटिक ये सप्लाई आपका शो करेगा और दिखाएगा भी। तो पहला नंबर पे आपको ये चेक करना पड़ेगा पिन नंबर। अब मैं यहाँ पे मैं थोड़ा सा पिन नंबर के साथ में लिख देता हूँ। पहले 1 पिन पे आपका 19 वोल्ट बनाना चाहिए, नहीं पिन नंबर पहला में बनाना चाहिए 19 वोल्ट। पिन नंबर है क्या, पिन नंबर आपका 9 है, ये पिन नंबर 9 पे बनाएगा ठीक है। और दूसरा नंबर आपको बनाएगा आप ये देख सकते हो पिन नंबर 11, तो आप पिन नंबर 11 में आपको बनाएगा 5 वोल्ट, नंबर 5 बनाएगा 5 वोल्ट बनाएगा, सॉरी पिन नंबर आपका 11 पे ही बनाएगा आपका। आपका पिन नंबर 11 में बनाएगा आपका, पिन नंबर 11 में आपका आप यहाँ पे पिन नंबर में ये साइड लिख दे रहा हूँ। ये पिन नंबर हो गया और इधर का साइड में आपका वोल्टेज लिख देता हूँ। और आपका पिन नंबर 3, आपका पिन नंबर 3 हो गया आपका, इसमें भी आपका 5 वोल्ट बनाएगा पिन नंबर 12। और पिन नंबर आपका 4 में बनाएगा आपका पिन नंबर 13, जो आपका जो ऑलरेडी लिखा हुआ इसमें भी आपका 5 वोल्ट बनाएगा, इसमें भी आपका 5 वोल्ट बनाएगा ठीक है। 5 वोल्ट ये जो आपका जो देख रहे हैं ये मेरा जो सिस्टम जब ऑफ कंडीशन में रहेगा उस वक्त आपका ये आप मैं लिख भी देता हूँ। ये जब सिस्टम मेरा ऑफ रहेगा तब आपका ये सप्लाई
ये जो बेसिक चीज़ है ये 4 वोल्ट बनाना चाहिए, ये 4 वोल्टेज है जो ये मेरा पर्टिकुलर ये बनाना चाहिए मेरा, ऑलरेडी ये मेरा बनाना चाहिए इतना सप्लाई, तभी जाके आपका फिर रैम का सेक्शन आप सही समझ सकते हैं, अगर नहीं समझ सकते आप समझ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी होता है कि आपको ये सप्लाई नहीं मिलेगा, कभी ये नहीं मिलेगा, कभी 19 वोल्ट तो मिल जाएगा, लेकिन आप देखिए ये 19 वोल्ट है, तो ये जो रेजिस्टेंस है आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आप लोगों को, ये जो 19 वोल्ट आपका 1 मेगा ओम्स का तो है, 1 मेगा ओम्स का तो जब ऑन आप कीजिएगा इधर 0.0 वोल्ट सप्लाई बनेगा, जब ऑफ मोड में रहेगा तो ये 19 वोल्ट आपका शो, 9 वोल्ट आपका शो करेगा इसलिए आपका। और मेरा जो इसमें मैं इतना आईसी वगैरह चेंज करने का रीज़न क्या था, मैं आप लोग को बता दूँ कि मेरा रैम सेक्शन में क्या प्रॉब्लम था क्या नहीं था, मैं आप लोग को वो भी थोड़ा सा बता दूँ, कभी आप लोग का प्रॉब्लम इस तरह का है तो आप चेंज कर सकें। ये तो ऑलरेडी मैंने कैपेसिटर को चेंज कर दिया, ठीक है, फिर भी मेरा सेम इशू रह गया, और आपका कहाँ चला गया, इस वाले कैपेसिटर को भी मैंने चेंज किया था उनसे, फिर भी सेम प्रॉब्लम था मेरा, ऑन ऑफ ऑफ बजा रहा था, और मेरा जो रेजिस्टेंस होता है और इस वाले जो सत्सोन का इस वाले रेजिस्टेंस में मैंने चेंज कर दिया था, ये भी मेरा सही था, BTT सेक्शन को मैंने ऑलरेडी ये सेक्शन को भी डिसेबल कर दिया, फिर भी मेरा ऑफ था, इस कैपेसिटर को मैंने सारा ओपन भी कर दिया स्वादन के लिए, फिर भी सेम प्रॉब्लम ऑन ऑफ ऑफ हो रहा था मेरा रैम लगाने पे, और जो मेरा जो फाइनली इशू प्रॉब्लम था ये था, ये जो आप देख सकते PR300 जो 1 मेगा ओम्स का था, ये जो मेरा था क्या कंडीशन, यहाँ पे मेरा ऑन में कर रहा हूँ फिर भी ये 19 वोल्ट था, ऑफ कर रहा हूँ फिर भी 19 वोल्ट था, ये मेरा ये जो टोन का जो आई ये जो सप्लाई है ये ऑन करने पे सप्लाई होना चाहिए था मेरा आपका 0 ऑन, जब ऑन हो जाए कभी भी लैपटॉप तो ये आपका 0.9 वोल्ट ये होना चाहिए, जबकि ये मेरा ऑन कर रहा हूँ फिर भी 9 वोल्ट था, ऑफ कर रहा हूँ फिर भी 9 वोल्ट था, तो वो मेरा प्रॉब्लम था, इसके चलते मैं सारा कैपेसिटर वगैरह सारा कुछ चेंज कर दिया, तो मुझे फाइनली पिन नंबर 9 पे ही मेरा शॉर्ट निकला। अगर थैंक यू दोस्तों, अगर मैं कहीं मिस्टेक हूँ, अगर आप लोग को लगता है कि मैं गलत बता रहा हूँ तो आप कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे कमेंट गलत बताया, कोई दिक्कत नहीं, मैं गलत करूँगा, अरे गलत करूँगा तभी तो कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए मुझे जहाँ तक नॉलेज बनता है मैं वहाँ तक शेयर करता हूँ। चलिए दोस्तों, थैंक यू।